गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पीयूष शर्मा आज इनोवेंटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सूरत से आया हूँ। यहाँ पे एक फार्मर भाई हैं, उनके साथ हूँ। इन्होंने हमारी एग्रोशिया तार यूज़ की है ग्रेप फार्मिंग में भी और टमाटो फार्मिंग में। मैं इनसे डिस्कस करता हूँ थोड़ा बहुत, ये आपको जानकारी देंगे। सर सर, आपका पहला तो शुभ नाम क्या सर, वो बताइए सर। नमस्कार सर, मेरा नाम बाला साहेब माने गुरगुड़े, गाँव दाताने, तालुक खनीपट, जिला नासिक। ओके, तो ये सर हमारी आपने एग्रोशिया तार कितने साल हो गए आप जो यूज़? 3 साल हो गए सर। तो इसको आपने पहले कौन सी फार्मिंग में यूज किया था और अब मैं देख रहा हूँ टोमेटो में यूज? ग्रेप फार्मिंग में यूज किया था, अभी टोमेटो में यूज, टोमेटो में 2 सालों से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कॉस्टिंग में क्या फर्क पड़ा इसमें जो नॉर्मल GI तार और GI तार से ये 40% सस्ता पड़ता है। ठीक है, और समझो जैसे अभी बहुत सारे ऑर्गेनिक स्प्रे, इनऑर्गेनिक स्प्रे भी होते हैं फार्म में, तो उससे इसका कोई इस पे असर आया? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कॉस्टिंग में भी आप बोल रहे हो 40% इतना फर्क पड़ा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आया। अच्छा, ये लटकने की एक प्रॉब्लम आती है जिसे झोल बोलते हैं मराठी में, ऐसा कोई तकलीफ आया इसके अंदर? झोल झोल जाती है लेकिन छोड़ने से वही हो जाती है, वापस वैसी आ जाती है, वही पोजीशन में आती है। ये जो आपने ये जो हमारी तार है कहाँ से खरीदी? यहाँ पे ये वेदांत एग्रो खेड़गांव। खेड़गांव से? तो वहाँ पे वो डीलर का नाम क्या उनका? चेतन अनिल राव डोकरे। चेतन अनिल राव की जो सर्विस थी ये फिटिंग की, उसमें कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं। तार में कंपनी से जैसे आई उससे कोई तकलीफ? कोई भी आपको सपोर्ट मिला उनकी तरफ से पूरा का पूरा? पूरा सपोर्ट मिला। GI तार गंजती है, गंजती भी नहीं है। अच्छा। और बहुत फायदे, कट भी नहीं हुई अभी। अच्छा, तो आप जो जितने भी किसान भाई हैं तो उनको रिकमेंड करोगे ये तार लेने के लिए? करूंगा ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर।